हेलो फ्रेंड्स, मैं चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बिस्कुट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटा और बेसन का बिस्किट। आटा और बेसन का बिस्किट बहुत आसान तरीके से घर पे ही तैयार हो जाता है। खाने में भी ये बाजार जैसा एकदम स्वादिष्ट लगता है बिस्किट, और हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमने लिया है आटा एक कटोरी से कम, हमने लिया है बेसन, थोड़ा बेसन लिया है, पिसा हुआ चीनी हमें लेना है, घी, थोड़ा सा घी और नारियल का बुरादा, आधा कप दूध और बेकिंग पाउडर। चलिए सबसे पहले हम बाउल लेंगे, उसमें हम घी ऐड करेंगे, पिसा हुआ चीनी डालेंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से फेटेंगे, चीनी और घी को हम अच्छे से इसको यूं ही फेटेंगे। चीनी और घी जितने अच्छे से फेटेंगे हमारा बिस्किट उतना ही फूला हुआ बनेगा। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे, बेसन ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, थोड़ा हम नारियल का बुरादा बचा के रखेंगे, इसको हम बाद में बिस्किट को कोट करेंगे। अब हाथों की मदद से इसे हम अच्छे से मसल मसल के ऐसे बनाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे, दूध हमारा नॉर्मल दूध है, ज्यादा ठंडा भी नहीं है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध इसमें डालना है। थोड़ा दूध हम और ऐड करेंगे। यूं ही थोड़ा मसलना है। देखिए दूध थोड़ा हम और इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और फ्लेवर लाने के लिए। अब हम इसे भूनेंगे, एकदम हल्के हाथों से ही हमें इसको भूनना है धीरे धीरे। देखिए दूध हम और नहीं डालेंगे, हल्के हाथ से हम इसे भूनेंगे। देखिए आधा कप से बहुत कम दूध है, फिर भी हम बहुत कम दूध इसमें लगाए हैं। हमारा बिस्किट का आटा बनके तैयार हो गया, हमें इसी तरह रखना है। देखिए अंदर का ऐसे ही, हमें ज्यादा नहीं गुनना, ऐसा रहेगा तो हमारा बिस्किट बहुत अच्छा फूलेगा, अच्छे से बनेगा एकदम बाजार जैसा। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल जैसे शेप बना लेते हैं, बॉल बना लेते हैं छोटे छोटे। अब हल्के हाथों से हम थोड़ा इसको प्रेस करेंगे, ज्यादा जोर से हमें नहीं दबाना है, हमें इसी तरह टिक्की का शेप देंगे बिस्किट को, साइड से थोड़ा साफ कर देंगे ऐसे दबा के। ये देखिए इसी तरह हम छोटे छोटे लेके बॉल बना लेंगे पहले,
बॉल बना के फिर हम हल्के हाथों से इसको बीच में प्रेस करेंगे। साइड से थोड़ा ऐसे कर देंगे, साफ हो जाएगा। फिर थोड़ा दबा के देखिए, इसी तरह हम सारे बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। देखिए जब तक हम बिस्किट बना रहे हैं तब तक हम बिस्किट को पकाने के लिए गैस ऑन कर लेते हैं। बिस्किट हम कढ़ाई में बनाएंगे, कढ़ाई को रख के इसमें ऐसे स्टैंड डालेंगे। आप चाहो तो कोई कटोरी या कोई भी ऐसे स्टैंड डाल सकते हैं। उसको ढक के हम गर्म होने देते हैं, इसको ढक के गर्म होने देते हैं। तब तक हम बिस्किट तैयार कर लेते हैं सारा बना के। ये देखिए बिस्किट हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम एक थाली लेंगे जिसमें बिस्किट पकाना है। हमने थाली लिया है, उसमें हमने सिल्वर पेपर लगा दिया है अच्छे से। देखिए चारों तरफ से अच्छे से हमने लगा दिया है। आपके पास अगर बटर पेपर होता बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसमें अब हम ऑयल लगा देंगे। सिल्वर पेपर लगाने से बिस्किट हमारा जलेगा नहीं। अगर सीधे हम थाली पे रखते हैं तो बिस्किट हमारा नीचे से जल जाएगा और बीच में कच्चा ही रह जाएगा। अब हम नारियल का जो बुरादा रखा था हम उसको हम इसमें पहले कोट करेंगे। इससे और अच्छा नारियल का फ्लेवर आएगा, खाने में भी और स्वाद आएगा। थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऊपर से डाल के इसको अच्छे से हम ऐसे कोट कर देंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे और हम थाली में रखते जाएंगे जिसमें पकाएंगे। थोड़ा सा हमें थोड़ा गैप करके ही रखना है, एकदम पास पास करके नहीं रखना है क्योंकि बिस्किट हमारा फूलेगा कढ़ाई में जाके। इसको इसी तरह हम सारे बना लेंगे कोट कर। ये देखिए सारे बिस्किट को हमने अच्छे से नारियल के बुरादे से कोट कर लिया है, कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसे पकाएंगे। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम धीरे से ढक्कन हटा के बिस्किट को रखेंगे आराम से। कढ़ाई गर्म है, बराबर करके हमें रखना है। अब हम इसको ढक के गैस को स्लो करके हमें 10 मिनट तक पकाना है। चलिए चेक करते हैं 10 मिनट हो गया है बिस्किट हमारा बना है कि नहीं। देखिए बिस्किट अभी तैयार नहीं हुआ है, सारे बिस्किट फूल गए हैं। इसको 10 मिनट और पकाएंगे, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए। बिस्किट सारे फूल गए हैं। अब इसको ढक के 10 मिनट और पकाएंगे, गैस को स्लो करके हमें बनाना है। चलिए चेक करते हैं बिस्किट हमारा बना है कि नहीं। ये देखिए बिस्किट हमारा अच्छे से पक गया है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। अब हम धीरे से इसको चिमटे की मदद से निकाल देंगे। बिस्किट हमारा बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब किसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। आटे का बिस्किट बहुत आसान तरीके से घर पे ही तैयार हो जाता है, वो भी बहुत ही कम सामान में। ये देखिए कितने कम सामान में कितना अच्छा बिस्किट बनके तैयार हो गया है। खाने में भी बहुत स्वाद है ये। और आप इस बिस्किट बना के 2-3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और चाय के साथ आनंद लीजिए। और देख दिखाती हूँ आपको मैं कितना ये सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। खाने में भी ये बहुत स्वाद है। ये देखिए इसके जो नारियल हमने डाला है इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाए कि हमारी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे।